आप सभी का आज फिर इस चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं वैद्य गोपाल नारायण शर्मा आज आपके लिए लेकर के आया हूँ अश्वगंधा के विषय में जानकारी। अश्वगंधा के विषय में भाव प्रकाश आयुर्वेद के ग्रंथ में कहा है, गंधांतवाजी न मानी अश्वगंधा हयावया वाराह करणी वरदा बलदा कुष्ठ गंधिनी अश्वगंधा निलश्लेष्म श्वित्र शोथ क्षयापहा बल्या रसायनी तिक्ता कसायोष्णाति शुक्रला। यानी कि जितने भी घोड़े के पर्याय हैं उनके आगे अगर आप गंध लगा दीजिए तो वे सारे पर्याय अश्वगंधा के बन जाएंगे। सोलेनेसी कुल की यह औषधि विदानिया सोमनीफेरा के नाम से जानी जाती है और जैसा कि मैंने इसमें बताया वाराह करणी यानी कि इसके जो पत्ते हैं ये इसके शेप जो है सुअर के कान जैसा होता है, इसलिए इसको वाराह करणी भी कहते हैं। बलदा ये बहुत ही बल देने वाली होती है और ल्यूकोडर्मा सूजन वायु और कफ इनको नष्ट करती है, रसायन गुण देने वाली है, बलप्रद है, स्वाद के अंदर यह हल्की कड़वी है, कसैली है, ये इसके गुण बताए हैं। इसकी जो प्रसिद्ध औषधियां हैं वे अश्वगंधारिष्ट जो कि बहुत ही बलकारक औषधि है, भोजन के बाद में 4-4 चम्मच बराबर पानी मिलाकर के लेने से ताकत देती है। अश्वगंधा चूर्ण इसकी जो मात्रा है वो लिमिट में हमें लेनी चाहिए। जिनको नींद नहीं आती है वे रात्रि को 1 चम्मच की मात्रा में यदि गाय के घी के साथ में और मिश्री के साथ में मिलाकर के लेते हैं, ऊपर से दूध पीते हैं, तो उन्हें बिना कोई साइड इफेक्ट के अच्छी नींद आती है। और इसके अलावा वजन बढ़ाने के लिए भी ये बहुत ही अच्छी औषधि है, शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी औषधि है। जिनके घुटनों में दर्द रहता है उनके लिए ये बहुत ही अच्छी औषधि है। और इसके अलावा इसका अश्वगंधादि तेल नाम से एक तेल भी आता है जो कि बाडी के दर्द को दूर करता है। अश्वगंधादि योग इसमें 4-5 चीजें हैं, नोट कर लीजिए, असगंध विधारा 80-80 ग्राम, मिश्री 80 ग्राम, कुक्कुटांडत्वक भस्म 20 ग्राम और इसके अलावा वंग भस्म 10 ग्राम और 20 ग्राम ही आप इसमें ले लीजिए बड़ी इलायची, इन सभी को पीस करके बारीक पाउडर बना लीजिए और 1-1 चम्मच की मात्रा में दीजिए। नए पुराने दोनों प्रकार के ल्यूकोरिया यानी सफेद पानी आना महिलाओं की जो शिकायत रहती है उसे बहुत ही जबरदस्त कार्य करता है यह है। इसके अलावा बाडी के दर्द के लिए तो बहुत अच्छी औषधि ही है, महानारायण तेल करके एक आयुर्वेद में औषधि आती है जो कि बाडी के दर्द को समाप्त करने के लिए काम में ली जाती है। उसका मुख्य जो कंटेंट है वह अश्वगंधा है। यह विभिन्न प्रकार के जो हमारे बॉडी में दर्द होते हैं वायु के कारण उन्हें बहुत ही अच्छा लाभ देती है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, इसकी जो मात्रा है 0.5 चम्मच से 1 चम्मच से अधिक नहीं लेनी चाहिए, यानी कि इसको लेने से हमें कब्ज न होना चाहिए, हमारी भूख बंद नहीं होनी चाहिए, तो ही यह उचित प्रमाण में औषधि मानी जाएगी। अश्वगंधा गुगुलू, अश्वगंधादि योग, अश्वगंधा रिष्ट, अश्वगंधा अवलेह, अश्वगंधा घृत, ये विभिन्न प्रकार की अश्वगंधा से बनी औषधियां अन्य भी होती हैं। मैं समझता हूं आपको अश्वगंधा के विषय में मैंने काफी जानकारी दी है, इसे आप आगे भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए जिससे कि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वो आप तक निर्बाध रूप से पहुंच सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। धन्यवाद।